शहबाज शरीफ साहब तहरीक पेश करें जी। शुक्रिया जी। स्पीकर कासिम खान जी तहरीक पेश करें। आप से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी आपने जो आइटम हाउस में पेश कराने की इजाज़त दी वो गैर मुनासिब थी, इसलिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन एजेंडा में पहले ही आ चुकी थी, लिहाजा ये अभी आपको मौका है जी, आपको दी है, आप इस पे तहरीक पेश कर दें जी। अब मैं आपकी इजाजत के साथ जी हाँ जी हाँ मैं ये पढ़ता हूँ। अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 37 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असेंबली 2007 आई हेयरबाय सीक लीव ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस टू मूव द फॉलोइंग रेजोल्यूशन फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। जी वो अराकीन जो इसकी हमायत में है अपनी निशस्तों पे खड़े हो जाएं। जी गिनती करें जी। अभी अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और अभी गिनती का अमल जारी है। वो लोग जो कि हिमायत में हैं वो अपनी सीटों से खड़े हो गए हैं और अभी गिनती की जा रही है, उसके बाद ये तहरीक मंजूर की जाएगी। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक पढ़कर सुनाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आज कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है।